तो आज हम जाने वाले हैं महारैली में जो कि देहरादून में आयोजित की गई है। पहले चुप कर गली चौक में बैठे के एसी में बैठे के हमारा उत्तराखंड राज्य तो बर्बाद कर लेगा। तो प्रणाम सभी को, मेरा नाम है पीयूष पुरोहित, चैनल का नाम है अ बॉय फ्रॉम पहाड़। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो आज हम जाने वाले हैं महारैली में जो कि देहरादून में आयोजित की गई है। तो पहले तो मैं आपको इस रैली का उद्देश्य बता दूं कि जो कि दो मांगों के लिए है, एक भू कानून के लिए और एक मूल निवास 1950 के लिए। थोड़ा सा मैं आपको इन मांगों की समरी दे देता हूँ। तो जो भू कानून है वो इस चीज़ के लिए है कि जो बाहरी राज्य के लोग हैं यहाँ पर आके ज़मीनें वगैरह खरीद रहे हैं और यहाँ पर बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, पूरा प्रॉफिट उन पे जा रहा है, जिस वजह से कि जो यहाँ के लोग हैं उत्तराखंड के, उनको यहाँ पर वो लाभ नहीं मिल पा रहा है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और जो यहाँ के मूल निवासी है, भूमिधर है, वो भूमिहीन हो रहे हैं, जिससे कि पर्वतीय संस्कृति पे असर पड़ रहा है। और जो मूल निवास 1950 है, उसका ये मतलब है कि जो लोग 1950 से जिस राज्य में है वो उस राज्य के मूल निवासी होंगे। तो जैसे आपको बाहरी राज्यों को पता होगा, जैसे हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे भू कानून लागू है, तो जो बाहर के लोग हैं वहाँ पे जमीन नहीं खरीद सकते जब तक वो वहाँ के मूल निवासी ना हो। उसी चीज की मांग को लेके ये रैली कराई जा रही है देहरादून में। तो अभी सीधा चलते हैं रैली में। मेरी थोड़ी सी तबीयत भी खराब है, जुकाम वगैरह हो रहा है मेरे को, लेकिन मैं फिर भी जाऊंगा। तो जब मैं तबीयत खराब में जा सकता हूँ तो आप लोग भी जरूर आ सकते हैं। वैसे आप ये व्लॉग रैली के बाद देखोगे, लेकिन होप सो आप लोग भी आए होंगे रैली में। तो अभी जल्दी से चलते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर अभी हम परेड ग्राउंड में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर रैली चल रही है, जैसा कि आप सामने देख सकते हो। और देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर ये अलग अलग संगठन भी आ रहे हैं रैली को सपोर्ट करने के लिए। तो देख सकते हो आप, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ हो रही है पूरी। नौकरियों से और जिस तरीके से जल जंगल जमीन की बात पिछले कई सालों से चल रही है वो नहीं हो पा रही है, उसे भी रोकने के लिए भू कानून बहुत जरूरी है। मैं सरकार से पूरी वो करता हूँ कि वो भू कानून को बहुत जल्दी लाए, जिससे हमारे आने वाले बच्चों के लिए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री साहब के बच्चों के लिए भी ये भू कानून बहुत जरूरी है। Jai Hind, 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 Jai Hind,
तो देख सकते हो आप कितने सारे लोग आ रखे रैली में उत्तराखंड भू कानून के लिए। तो ये देखो ये पूरी इधर भी रैली चल रही है। तो देख सकते हो आप रैली यहाँ तक पहुँच गई। सेंट थॉमस स्कूल है, अभी यहाँ से रैली आगे जा रही है, आधी रैली आगे पहुँच गई। नहीं चलेगी दीदों भू भू क्या दे यू माटू।
जिस पर हमारे माता है हमारे
वो कानून की मांग हो रही है। चार से 23 वर्षों से राज्य के अंदर बड़े आंदोलन नहीं हुए वास्तविक मुद्दे या प्रदेश के मुद्दों को लेकर। अगर आज मुख्यमंत्री बड़ोली जी की जयंती पर यह हुआ है कहीं ना कहीं ये आवाज और ये लड़ाई दूर तक जाएगी। और दूसरी बात ये है, आपने कहा कि धामी जी सड़कों पर है, युवा भी सड़कों पर। एक शुभ संकेत यह है कि इस प्रकार की लड़ाई में आज तक अगर देखा गया था तो कहीं ना कहीं हमारे जो आंदोलनकारी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वही सड़कों पर होंगे। और आज बड़ा सुकून मिला कि बड़ी मात्रा में युवा सड़कों पर निकल कर आया। दोस्तों रैली से आ चुके हैं वापस और अब जा रहे हैं घर। तो अभी रिजल्ट वगैरह तो बाद में ही पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं। दोस्तों यहाँ से रैली शुरू हुई थी, ये परेड ग्राउंड ये देखो, अब यहाँ पूरा खाली हो चुका है और अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। तो मिलते हैं आपसे घर पे सीधा। तो जी अभी रैली से वापस आ चुके हैं घर पे, तो बहुत अच्छे से रैली हो चुकी है। तो अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है और क्या नहीं। मैं उत्तराखंड सरकार से यही अपील करना चाहूंगा, जल्द से जल्द भू कानून और मूल निवासी 1950 लागू कर दे उत्तराखंड में, जो कि हर एक उत्तराखंडी चाहता है। वरना ऐसी लोगों में आक्रोश बढ़ता रहेगा और ऐसी महारैलियां निकलती रहेंगी रोडों पे। तो अभी इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।